ये बात याद रखें, जो लोग हैं ना वो हमारे करीब भी होते हैं और हमसे दूर भी हो जाते हैं। हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो हमारे करीब भी आते हैं और हमसे दूर भी हो जाते हैं। और हर शख्स, हमारी औलाद हमारे कभी कुछ टाइम करीब आती है और हमसे दूर हो जाती है। हमारे माँ बाप कुछ टाइम के लिए हमसे करीब रहते हैं और फिर हमसे दूर हो जाते हैं। बट एक ज़ात जो हमारे हमेशा करीब है और कभी दूर नहीं होगी, जो हर टाइम हमारे साथ है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। एक शख्स, हमें से अक्सर लोग कभी तेज चला रहे हैं गाड़ी और जब देखते हैं कि दूर पुलिस की गाड़ी खड़ी है तो आहिस्ता हो जाते हैं। वाई? बिकॉज द पुलिस इज नियर। जैसे ही पुलिस को क्रॉस किया और जब आंखों से ओझल हो गई, जब पुलिस फार अवे चली गई, दूर चली गई, तो फिर तेज ड्राइव करना शुरू कर दिया। एक बेटा, कोई लड़का गालियां दे रहा था अपने दोस्तों के साथ होता है, लेकिन जैसे देखा मेरे वालिद साहब करीब आ गए तो फिर सोफिस्टिकेटेड बन जाते हैं और अल्लाह का जिक्र करना शुरू हो जाता है, अस्तग़फिरुल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब देखते हैं कि वाले साहब चले गए तो फिर दोबारा से अपनी वो वल्गर और ल्यूड जबान शुरू कर देता है। एक एम्प्लॉई बैठा होता है, चिल कर रहा था, काम नहीं करता, लेकिन एज सून एज ही सीज हिज बॉस कमिंग, फौरन से वो काम करना शुरू करता है। व्हाई? द बॉस वाज फार अवे, व्हेन ही केम क्लोजर, व्हेन ही वाज नियर, तो वो काम करना शुरू कर देता है। तो हम देखते हैं कि हमारा एटीट्यूड बदल जाता है जब कोई हमारे करीब आता है, जिससे हम डरते हैं, जिसके हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं। और अल्लाह ताला तो हर वक्त ही करीब है। وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, मैं तुम्हारी शरख से भी ज्यादा करीब हूँ। إِنَّنِي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सुनता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, तुम जहाँ भी हो। وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ, मैं आंखों की खयानत को जानता हूँ और दिलों में जो छुपे राज़ों को भी जानता हूँ। وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَأَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, الله أكبر, तुम अपनी बात को ऊंचा बोलो या आहिस्ता दिल में बोलो, إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, वो दिलों के राज़ों को जानता है। और जो तकवा है ना, वो कहाँ पे होता है? अतकवा हाहुना, अतकवा हाहुना, तकवा यहाँ पे होता है। जिसके दिल में तकवा हुआ ना, वो इस दुनिया की हर नेमत को पा गया, लेकिन जिसके दिल में तकवा ना हुआ वो फिर फेल हो जाता है। और ये बात याद रखें, द फाउंडेशन ऑफ रिस्क इज तकवा। हमारे जो रिस्क की फाउंडेशन है ना, वो तकवे की बिना पे है। जो शख्स चाहता है उसका रिस्क बढ़े, जो शख्स चाहता है कि उसका रिस्क में बरकत आए, जो शख्स चाहता है कि उसका रिस्क में कॉन्टिन्यूटी आए, वो अल्लाह का तकवा इख्तियार करे। क्योंकि वमैया तकिल्लाह यजअल्लाहु मखरजा वयरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, जो भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए मखरज बना देते हैं, उसको वहां वहां से रिस्क और रोजी देते हैं जहां से उसने कभी इमेजिन नहीं किया होता। याद रखिये, जो रिस्क है ना हमारा, वो इसी तरह अल्लाह ने लिखा है जिस तरह हमारी मौत लिखी है। मौत हमें मिल आके रहनी है। क्या मौत एक सेकेंड आगे और एक सेकेंड पीछे हो सकती है? नहीं हो सकती। एक सेकंड और आगे और पीछे मौत नहीं हो सकती। इसी तरह से रिस्क भी हमारा एक रुपया ऊपर और एक रुपया नीचे नहीं हो सकता, जो हमें मिल के रहना है। अल्लाह की फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि हैव तक्वा फला सुभान अल्लाह एंड सीक इट ब्यूटीफुली। सीक व्हाट? रिस्क ब्यूटीफुली। बिकॉज व्हाट इज विद अल्लाह सुभान व तआला कैन ओनली बी अटेन्ड थ्रू इट्स थ्रू हिज यू नो प्लेजर एंड ओबीडियंस। एंड डोंट लेट इट्स डिले कॉज यू टू सिन। इस रिस्क का जो डिले है तुम्हें गुनाह पे मजबूर ना कर दे, रिस्क तुम्हें मिल के रहेगा। एक शख्स था जो कि अरब की बात है, कुएं में गिर गया। लोग आए, रेस्क्यू टीम्स आई, उसको कुएं से निकाला गया और पूछा तुम कुएं में कैसे गिर गए? तो उसने कहा कि बस मैं चल रहा था, समहाउ मुझे नजर नहीं आया, मैं कुएं में गिर गया। तो उसने कहा अच्छा बैठ जाओ, रिलैक्स करो, दूध पियो। उसने अपना वो दूध पिया और सुभानअल्लाह कुएं में गिरने के बाद भी उसको कोई चोट वगैरह नहीं आई थी। उसने वो दूध पिया और कुछ कदम चला और मर गया। एक शेख, नोटेबल शेख बता रहे थे, सुभान अल्लाह, वो जो दूध का गिलास था वो उसके रिस्क में लिखा हुआ था। जब तक उसने पी नहीं लिया वो मरा नहीं है, हालांकि उससे पहले वो कुएं में गिरा, वो रिस्क उसे मिल के रहा। इसी तरह से जिस तरह मौत आके रहनी है, उस तरह रिस्क भी मिल के रहना है। सऊदी अरबी में ही एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था जो कि 7 स्टोरी बिल्डिंग से गिरा एंड व्हेन ही फॉल ऑन द पाथवे, सुभान अल्लाह, टू पीपल्स सरप्राइज, ही वाज ऑल फाइन। कुछ उसको स्क्रैचेस आए लेकिन ही वाज गुड। Maybe he fall in a way कि वो नीचे कुछ सैंड पड़ी हुई थी या क्या था, he was all right। और लोग तो हैरान हुए और कहा कि यार तुम्हें नई जिंदगी दी है। तो उसने कहा हाँ, मुझे नई जिंदगी मिली है, let me buy some drinks for you। And while he went to the grocery shop and purchased some drinks, और वापस आ रहा था, the car hit him and he passed away। क्योंकि उसकी मौत कुछ सेकंड्स पहले नहीं लिखी हुई थी, और उसकी मौत वहां पर नहीं लिखी हुई थी, इसकी मौत कुछ सेकंड्स बाद यहाँ पे लिखी हुई थी, यहीं पर आके मरा। जिस तरह मौत लिखी गई ना, अल्लाह ने उसी हिसाब से रिस्क लिखा है, मिल के रहेगा। तो अल्लाह का तकवा इख्तियार करें और हराम मीन्स को ना यूज़ करें रिस्क को हासिल करने के लिए। और ये बात याद रखें, एक बंदा जो गुनाह करता है और फिर उस पर बार बार रोता है, वो मुत्तकी नहीं है। मुत्तकी वो इंसान है जो गुनाहों से बचता है। गुनाह करके उस पर आंसू बहाना, ये तकवा नहीं है, ये तौबा है। लेकिन गुनाह ना करना और गुनाहों से बचना और अपनी हद तक इस्तेआत करना और कोशिश करना,
दिस इज तक्वा। अल्लाह के नबी सल्लम ने हमें बहुत सारी दुआएं भी सिखाई तक्वे को हासिल करने के लिए, और मैं आप सब में से कुछ जिक्र कर लेता हूँ। नंबर वन इज़ अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक्वाहा, यानी अल्लाह मेरे नफ्स को तक्वा दे। वज़क्कीहा अंत खैरु मन ज़क्काहा, और इसका तज़किया कर दे, तो बेहतरीन तज़किया करने वाला है। अंत वलीयुहा व मौलाहा, आप इसके वली हैं और आप इसके मौला हैं। ठीक है, एक और दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा व तुका व अफाफ व अलगिना, ये अल्लाह आपसे सवाल करता हूँ हिदायत का, तकवे का, आफियत का और घनी हो जाने का। एक और दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वज़अलना लिल्मुत्तकीना इमामा, और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईशतन तकिया व मीदतन सबिया व मरादन गैर मुखरिन, अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ ऐसी जिंदगी का जो कि तकवे से भरी भी हो, तकवे वाली जिंदगी का सवाल करता हूँ। व मीदतन सबिया, और ऐसी मौत का सवाल करता हूँ जो बड़ी स्मूथ हो और हर मुश्किल से पाक हो। व मरादन गैर मुखरिन, और ऐसी दुआ जो कि रद्द न की जाए, इसका सवाल करता हूँ। तो दिस इज फर्स्ट वजीफा। जान लें कि सिर्फ तस्बीह पढ़ने से, सिर्फ ये जो हमारे फेक और जो है ना फैब्रिकेटेड वजीफे बने हुए हैं पाकिस्तान में स्पेशली और सब कॉन्टिनेंट में, जिनको लोग लाखों के हिसाब से कर रहे हैं, अगर हदीस से साबित नहीं है तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल जो जो वजीफे अल्लाह ताला ने बयान किए हैं वो ये है कि तुम तकवा इख्तियार करो, ये वजीफा लो, और फिर तुम्हारी जिंदगी को मैं आसान कर दूंगा, या जालो मिन अमरी युसरा, तुम्हारे काम आसान हो जाएंगे, या तुम्हारे लिए मखरज बना, तुम्हारे रास्ते बना दूंगा, तुम्हें वहां से रिज़्क़ और रोजी अता करूंगा, तुमने कभी इमेजिन नहीं किया होगा, तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा मैं, तुम्हारे दर्जात बुलंद कर दूंगा मैं, तुम तकवा इख्तियार करो सिर्फ। और दूसरा वजीफा आज ले जाए, विच इज तौबा एंड इस्तग़फ़ार, कसरत से तौबा करें अपने गुनाहों पर, नदामत और इस्तग़फ़ार। और तौबा है क्या, इसकी तीन शरायत हैं। अगर हुकूक़ुल्लाह के बारे में तौबा करें इंसान, नमाज छूट गई उसकी, कि उस पर पछताना, शदीद नदामत और रिग्रेट, पहली शर्त अपने गुनाहों पर पछताना। ये नहीं कि अपने गुनाह करके बड़ा इंसान अपने आप को तोप समझ रहा है, जाने तेरे भाई ने ये काम किया या तेरे भाई ने वो काम किया, नहीं, नदामत और शर्मिंदगी और उस पर ना रिपेंट करना। दूसरा स्टेप, इमीडिएट लीविंग ऑफ सिंस, फौरन से गुनाहों को छोड़ने का इरादा कर देना। और तीसरा स्टेप, आइंदा कभी ना करने का इरादा करना। ये तीन शरायत हैं तौबा इस्तग़फ़ार की। वो झूठा तौबा करता है जो कि रोता भी है और फिर प्लान भी करता है कि मैं तौबा करूंगा, ये झूठे की तौबा है। और ये झूठे की तौबा है जो कि रो भी रहा है और इस्तग़फ़ार 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 पढ़ भी रहा है, या अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वातूबु इलैहि पढ़ा है, और हराम रिलेशनशिप को नहीं छोड़ा। ये झूठा इस्तग़फ़ार है जो कि अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह फेरी जा रहा है लेकिन सूदी जॉब को नहीं छोड़ा और गुनाहों को नहीं छोड़ा। ये शर्त है गुनाहों की कि इंसान गुनाहों को छोड़ा जाए। ठीक है, तो ये सलफ साले कहते हैं कि जो गुनाहों को भी ना छोड़े और अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता रहे, ये झूठों के इस्तग़फ़ार है। इमेजिन मैं ऑफिस की खिड़कियां खोल देता हूँ और एसी ऑन कर देता हूँ, क्या कमरा ठंडा होगा? मैंने सारी खिड़कियां खोल दी और एसी ऑन कर दिया, कमरा ठंडा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एसी की जिस तरह हवा आ रही थी उस तरह बाहर जा रही है। तो इस तरह से इस्तग़फ़ार, अगर इंसान गुनाह कर रहा है और इस्तग़फ़ार करता जा रहा है, तो देयर इज नो डिफरेंस इन हिज लाइफ, गुनाह भी कर रहा है और इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता जा रहा है। जैसे एसी भी ऑन है और घर की खिड़कियां भी दरवाजे भी खुले हुए हैं और घर में कोई फर्क नहीं पड़ा, जो मकसद था क्या कि कूलनेस हो कमरे में, ठंडक हो, वो अचीव नहीं कर पा रहा। तो इस्तग़फ़ार का जो मकसद था कि इंसान अपने गुनाहों को बख्शवाए और रब की रजा को हासिल करे, वो इंसान नहीं हासिल कर पा रहा क्योंकि वो उस गुनाह को नहीं छोड़ा। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बयान जे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।